छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बालोद में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी सभा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करना होगा अनिवार्य। मतदाता जागरूकता के लिए राज्य भर में अनेक आयोजन, मानव श्रृंखला के जरिए लिया जा रहा है मतदान का संकल्प। और आज से शुरू हुआ चैत्र नवरात्र, शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बालोद में पहली चुनावी सभा ली। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत सरकार होती है तो देशहित में फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री 15 अप्रैल को भाटापारा और कटघोरा में दो अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा मीडिया और अपनी आधिकारिक वेबसाइट में करनी होगी। ये जानकारी श्री साहू ने रायपुर में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए अपने प्रत्याशियों की आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करना जरूरी होगा। श्री साहू ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय लेखा के संधारण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव खर्च के लिए 10,000 रूपये से अधिक राशि का भुगतान नगद नहीं कर सकेगा। बैठक में कांग्रेस, भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और सर्वोदय भारत पार्टी के प्रतिनिधियों सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साहू ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी सी टॉप्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। दिवस में पर्यवेक्षण के लिए राज्य के द्वारा एक नया पहल किया गया था पिछली बार, जो इस बार फुल फ्लेज्ड कराया जा रहा है, वो सी टॉप्स मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम जानकारी और पोलिंग टीम्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं। मतदाता सूची दिनांक 1 जनवरी 2019 की स्थिति में अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग 1,89,00,000 मतदाता हैं राज्य में। प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र स्थापित होगा एक लोकेशन पर, जहां पे एक से अधिक बूथ्स हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्थित कुछ मतदान के स्थलों में परिवर्तन किया गया है। लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए राज्य के चुने गए मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के जरिए सतत निगरानी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को रायपुर में मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारियों को वेबकास्टिंग के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि मतदान केंद्रों में कैमरे ऐसी जगह लगाए जाएं जहां से पोलिंग बूथ के अंदर रखे वीवीपैट और बैलेट यूनिट को छोड़कर मतदान केंद्र के भीतर का अधिकतम दृश्य दिखाई दे। इसके लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यूएस अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार वेबकास्टिंग के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि समाप्ति के बाद सभी वेब कैमरों का रिकॉर्डेड डाटा जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष मिश्रा और स्पेश वर्मा भी उपस्थित थे।
वहीं दूसरी ओर दुर्ग संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन के लिए बनी विभिन्न समितियों का ऑब्जर्वर डॉक्टर महावीर सिंह ने निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित आनंद ने उन्हें सभी समितियों के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने निर्वाचन के लिए बनाई गई शिकायत सेल का भी अवलोकन किया और वहां अब तक सी विजिल पर आई शिकायतों और कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। भारत निर्वाचन आयोग ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए डॉक्टर महावीर सिंह को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, कॉलेज के विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और दिव्यांगजनों को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, जिला स्वीप समिति के अध्यक्ष ऋतुराज रघुवंशी और डिप्टी कलेक्टर आभा तिवारी उपस्थित थीं। कार्यक्रम की शुरुआत बाल मित्र ने सभी अतिथियों को शत प्रतिशत वोट का बैंड बांध कर किया। आयोजन स्थल पर सुगम सुघर समावेशी थीम पर रंगोली बनाई गई, साथ ही मतदान जागरूकता संदेशों के साथ मानव श्रृंखला बनाकर मतदान की अपील की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं काफी दिनों से प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी स्वीप एक्टिविटी काफी की गई थी। अभी भी हमारी एक्टिविटी काफी लंबे समय से प्रचलित है और अभी आने वाले समय में भी हम और इसमें थोड़ा सा एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जिले के शत प्रतिशत मतदाता निर्भीक होकर के निर्बाध रूप से मतदान में हिस्सा लें और शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराएं। आज के इस कार्यक्रम में हमने जिला मुख्यालय के स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करने का प्लान किया था ताकि लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए और इसमें हर क्षेत्र के लोगों को हमने पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया। हमारे आंगनबाड़ी के लोग भी थे, नर्सिंग कॉलेजेस के लोग भी थे, गणमान्य नागरिक भी थे, अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे, स्काउट भी थे, NSS वाले भी थे और हमारे आश्रम छात्रावास के लोग भी थे। तो सभी प्रकार के वर्गों को शामिल करके हमने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि सबको मतदान में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और 100% मतदान कराना अनिवार्य है। इसी तरह राजनांदगांव में भी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और VVPAT के इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है। यहां के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में मतदाताओं को ये सिखाया जा रहा है कि वे किस तरह सुरक्षित मतदान करें। जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि मतदाताओं को सुचारू मतदान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि VVPAT का प्रयोग पहली बार जो है विधानसभा चुनाव में किया गया था, उससे मतदाताओं के संबंध में जो एक धारणा थी कि वोट हम जिसको डालते हैं वो उसी को जाता है अथवा नहीं जाता, वो भ्रांति लगभग दूर हो गई है। परंतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम दो चरणों में VVPAT का जो प्रदर्शन का हम लोग कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर चला रहे हैं ताकि उसका बारे में और भी जो थोड़ी मोटी जो भ्रांतियाँ हैं उसको हम दूर कर सकें। वो कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। जहाँ तक स्वीप का बात है, उसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है और उसके लिए ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम करके मतदाता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं और स्वच्छ मतदान भी हो सके। इसके साथ ही बेबेतरा में भी स्वीप के तहत अनेक जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। रंगोली, मानव श्रृंखला और मेहंदी सजाकर शत प्रतिशत मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों को मतदान का वचन दिलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और युवा लोगों से बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपील कर रहे हैं। वैसे तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके पैतृक गांव कुर्दडीह में भी विकास और आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव है। पेश है हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और हम भूपेश बघेल के गांव में हैं और ये गांव ये पाठशाला है, हाई प्रोफाइल ये गांव है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों ने बताया जैसे कि टीचर नहीं है, टीचर चले गए हैं, शहर में चले गए हैं और बच्चे यहाँ पर जो भी यहाँ पर टिके हुए हैं ये सिर्फ मिड डे मील के भोजन के लिए यहाँ पर टिके हुए हैं। आइए देखते हैं स्कूल के अंदर क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसा है स्कूल, वहाँ मिड डे मील की क्या स्थिति है।
12 बज गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ टीचर मीटिंग में गई हुई हैं और जिसके चलते बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है और ये बच्चे अब छुट्टी के लिए घर जा रहे हैं, कोई टीचर है ही नहीं यहाँ पर। अब मैं ये बताइए कहाँ गए टीचर? टीचर है हमले सर। तो अभी तो पढ़ाई का वक्त है, तो छोड़ के क्यों चली गई वो? वो अभी पढ़ाई तो मीटिंग जरूरी है क्योंकि अब होगी सर। गांव में कौन सी सुविधा है और कौन सी सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे, आप क्या चाहते हैं गांव में क्या क्या नहीं है जो होना चाहिए? गांव में तो लगभग सभी चीजें ही स्कूल है, अधूरा पड़े है, बाद में पानी वानी की व्यवस्था नहीं है। आपको इंदिरा आवास का फायदा मिला है? नहीं मिला है मेरे को। गरीबी रेखा में नाम नहीं होने के कारण गरीब होते हुए भी इनको इंदिरा आवास का फायदा नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर पर है झीठ में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है? वृद्धा पेंशन आपको मिलता है माता जी? नहीं मिला थे। कभी शिकायत की है इसका प्रधान से कि हाँ भाई हमको क्यों नहीं मिला? कहीं डर यहाँ नहीं मिला था कैसे कर भी। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यानी नहर में पानी आता ही नहीं अभी, यानी नहाने के लिए धोने के लिए कुछ के लिए यहाँ साधन ही नहीं है। कम है पानी यहाँ, पहतरिया तालाब नहीं है, पानी गंदा निकला थे। गांव के जो घर है वहाँ पर बिजली का मीटर लगा हुआ है, बिजली आती नहीं है लेकिन बिजली का बिल जरूर आता है, क्यों माता जी? जब से लगे है तब से वह भरते नहीं है और बिजली बिल आते चली थे, हर महीना में जाग पटाते चली था। रोजगार का समस्या है गांव में, जैसे दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ही जाके काम करना पड़ता है। बाकी जैसे गांव में कुछ काम है आना चाहिए वो नहीं है। सोनी का वाली काम में जाते हैं, गिट्टी रेती वाले। तो आपने देखा सीएम साहब के इस हाई प्रोफाइल गांव का बदहाल रूप, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सबकी स्थिति यहाँ बद से बदतर है। अगर आप बोलेंगे कि कितना नंबर दिया जाए विकास के मानकों पर इस गांव को, तो मैं 10 में से 0 नंबर दूंगा। कैमरामैन सुमित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज रायपुर। शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर राज्य की सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी देवी के मंदिर में भी आज से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज अभिजीत मुहूर्त में यहां ज्योति कलश की स्थापना की गई। 9 दिनों तक यहां श्रद्धालु माता रानी की भक्ति में लीन रहेंगे। आज भी मां के जयकारे के बीच आरती हुई। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु रोपवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इधर रायपुर स्थित काली मंदिर में भी आज तड़के से ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में ज्योति कलश स्थापित किए हैं। भक्तजन आज आस्था और श्रद्धा के साथ आरती में शामिल हुए। इसी तरह रतनपुर के महामाया मंदिर में भी विशेष सजावट की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बालोद में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी सभा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करना होगा अनिवार्य। मतदाता जागरूकता के लिए राज्य भर में अनेक आयोजन, मानव श्रृंखला के जरिए लिया जा रहा है मतदान का संकल्प। और आज से शुरू हुआ चैत्र नवरात्र, शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।